अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती होंगे सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे और सेफ होंगे। आप सबको पता है इस टाइम हम कोरोना वायरस की टेंशन में जकड़े हुए हैं और दुआ ये है कि अल्लाह ताला हम सबको इस वायरस से महफूज रखें और जो लोग इन्फेक्टेड हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। सो कोरोना वायरस से बचने के लिए बहुत से स्टेप्स हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं, जो कि ना सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी हैं बल्कि दूसरों को बचाने के लिए भी उन स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी है, जिसके अंदर है कि आप अपने हाथ धोएं, आप अवॉइड करें सोशल गैदरिंग्स, आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और आप घर पर रहें। लेकिन ये भी हकीकत है कि हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जिनकी फील्ड ऐसी है कि उन्हें घर से बाहर जाके काम करना पड़ रहा है। सो इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि घर में आपने किस तरह से सफाई करनी है और किस तरह से आपने डस्टिंग करनी है उन एरियाज़ की, सॉर्ट ऑफ डस्टिंग कह लें उन एरियाज़ की जहाँ पे आपको लगता है कि जब हमारे घर का कोई बंदा बाहर जाता है और जब वो वापस आता है तो उसने किन किन चीज़ों को टच करना है जहाँ पे वायरस का खदशा हो सकता है। तो सबसे पहले तो जब आप सफाई कर रहे हैं, आपने जब भी मोप करना है उसके अंदर आप डिटॉल डाल लें, आप डिसइंफेक्टेंट डालें, ठीक है। और मैं यहाँ पे अब एक स्प्रे बॉटल ले रही हूँ, उसके अंदर मैं 1.5 से 2 ग्लास पानी डालूंगी और उसके अंदर थोड़ा सा मैं डिटॉल डाल दूंगी, ठीक है। उसके बाद आपने उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसको स्प्रे करना है दरवाज़ों पे, लॉक्स पे, टेबल पे, और फिर आपने साथ साथ उसको साफ़ करना स्टार्ट कर देना है। टॉयलेट डोर्स